हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल। यहाँ हम पढ़ते हैं मैथ्स एंड टुडे इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 7 सीरीज। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंटीजर्स। लेट्स मूव विद द चैप्टर। सो इंटीजर्स, क्या होते हैं इंटीजर्स? तो अगर हम नंबर्स लिखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड वी कैन कीप ऑन राइटिंग दिस टिल इन्फिनिटी, और वैसे ही बैकवर्ड चलें यानी 1 के पहले 0 और 0 के पहले आ जाते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर्स में -1, -2 एंड अगेन वी कैन कीप ऑन राइटिंग ऑल द नेगेटिव नंबर्स टिल इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर्स। तो ये सारे कहलाते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे ही तुम लोगों ने क्लास 6 में किया था, बट क्लास 6 का एक छोटा सा रिकैप कर ले अगर किसी को याद ना हो तो। तो होल नंबर्स, इन्हीं इंटीजर्स में से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें यानी 0 से ले करके ये सारे काउंटिंग नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स टिल इन्फिनिटी, ये हो जाते हैं होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर तो हम इसमें 0 भी हटा देते हैं, तो अब नेचुरल नंबर हो गए सारे काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनिटी तक। तो ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स से वाइडर कॉन्सेप्ट है इंटीजर्स का। इन दोनों को सम अप कर दें, इंटीजर्स बन गए। ठीक है, तो आज इंटीजर्स में हम करेंगे कि इंटीजर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये किस तरीके से किया जाता है, कैसे कैसे हम उसके रूल्स फॉलो करें जिससे हमारा सम रॉन्ग ना हो। सो मैथ्स में बेसिकली चार कैलकुलेशन से करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। इंटीजर्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते टाइम क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू वो देखते हैं। तो पहला मल्टीप्लीकेशन से चालू करते हैं। तो जो साइंस है, किसी भी नंबर के आगे या तो माइनस होगा या फिर प्लस होगा, क्योंकि इंटीजर्स या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करते टाइम हमें क्या क्या रूल फॉलो करते हैं। तो पहला रूल है, अगर माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए प्लस के साथ तो साइन जो आंसर होता है वो हमेशा माइनस होता है। नेक्स्ट है, अगर माइनस साइन को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस साइन के साथ then answer will be a positive sign. Third one, अगर पहली number plus हो और second number minus में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, plus into minus is always minus. जैसे minus into plus minus था, plus into minus भी minus ही होगा। Next क्या बचता है, plus sign multiplied by plus sign. So answer will always have a पॉजिटिव साइन, दैट इज प्लस साइन। अब हम इनको साइंस के थ्रू तो समझ ही गए, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं। तो लेट्स से पहला एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल में अगर मैं लूँ -2 मल्टीप्लाइड बाय +4, जनरली हम प्लस का साइन नहीं लगाते किसी डिजिट के आगे, तो अगर ये साइन न भी लगा हो तो भी 4 लिखा है यानी +4 है। सो -2 को +4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज माइनस। सी, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज ऑलवेज माइनस। तो हमने माइनस और प्लस यानी साइंस का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अब नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 2 × 4 इज 8, सो आंसर विल बी -8। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर +2 मल्टीप्लाई करें +8 के साथ, तो सबसे पहले साइन को देखें, प्लस इंटू प्लस, तो लेट्स सी इन चारों में ये रहा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, तो हम साइन सबसे पहले देते हैं प्लस का और फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 8 इज 16, आंसर आ गया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर -4 को मल्टीप्लाई किया जाए -3 के साथ, नाउ दोनों साइन सेम है, तो -×- इज प्लस, तो साइन हो गया प्लस एंड 4 × 3 इज 12। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हो 8×-5, तो 8×5 = 40 और साइन क्या लगेगा, यहाँ कुछ नहीं यानी प्लस साइन है, +×- इज माइनस। तो ये रूल याद रखोगे, -×+, -, -×-, +, +×- इज माइनस एंड +×+ इज प्लस।
ये रूल याद रखोगे तो हम मल्टीप्लिकेशन के टाइम कोई भी कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं कर सकते. यही सेम रूल्स आर फॉलोड व्हाइल वी आर डिवाइडिंग समथिंग. तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं डिवीजन के और देखते हैं ये रूल वहाँ कैसे फॉलो होते हैं. तो सबसे पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हटाएं और इसकी जगह हम डिवीजन का साइन भी लगा सकते हैं. यहाँ जो आंसर है वो बिल्कुल सेम होने वाला है. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. तो ये है हमारे पास चार एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल में -4 / -2. माइनस को माइनस से डिवाइड करो तो आंसर तो आएगा प्लस, और अगर हम 4 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर आता है 2, यानी आंसर इज +2. हमने यही रूल फॉलो किया. नेक्स्ट में आते हैं 18 / -3. सबसे पहले साइन का देखते हैं. तो यहाँ 18 लिखा है, इसका मतलब यहाँ प्लस साइन ही है. एंड प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस. सी, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस विल बी माइनस. और अब 3 से डिवाइड करते हैं 18 को, सो आंसर इज 6. नेक्स्ट में आते हैं माइनस डिवाइडेड बाई प्लस. प्लस 12 हुआ ना ये, सो माइनस डिवाइडेड बाई प्लस इज माइनस. और 24 को 12 से डिवाइड करें तो 12 2s are 24, सो आंसर इज -2. और ये ना एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस इज प्लस. और 30 को डिवाइड करें 3 से तो आंसर आता है 10. यानी हम नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं, सिर्फ एक नई चीज़ जो सोच रहे हैं करते टाइम वो है कि हम साइन कौन सा यूज़ करें. तो साइन के लिए हमें ये रूल्स बिल्कुल अच्छे से याद रखने होंगे और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये याद हो भी जाए. So let's look at the addition and subtraction part of integers. तो पहला part जो हमें rule याद रखने हैं, same signs are added. अब इसका मतलब क्या है, मैं इस rule को example के through समझते हैं. तो अगर मुझे एक sum दिया जाए +2 + 8, okay? So because +2 और +8 दोनों का sign same है तो same signs are added. यानी हम 2 और 8 आंसर लिखेंगे ऐड करके 10. और अब साइन कौन सा लगाएं, तो उसके लिए सेकंड रूल देखो, आंसर विल आल्सो हैव सेम साइन. क्योंकि दोनों की साइन प्लस है तो इसका साइन भी प्लस होगा. सो +2 + 8 is +10. सो अब दूसरे सेम साइंस, दोनों माइनस लेकर के देखते हैं. तो अगर -14 - -3 ये दिया जाए, बिकॉज दोनों में सेम साइन है तो इन्हें ऐड किया जाएगा, बिकॉज सेम साइंस आर एडेड. सो 14 and 3 होता है 17. एंड आंसर विल ऑल्सो हैव द सेम साइन, यानी माइनस साइन ही लगेगा. सो -14 - -3 आंसर विल बी -17. क्लियर है? यानी जब भी सेम साइन होंगे तो हम उन्हें ऐड करेंगे और साइन ऑब्वियसली वही वाला लगेगा. नाउ नेक्स्ट रूल, ऑपोजिट साइंस आर सब्ट्रैक्टेड. यानी अब मैं अगर एक सम लूँ जिसमें लिखा हो +2 - 8, इस बार दोनों साइन अलग हैं तो रूल के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइंस आर सब्ट्रैक्टेड. यानी हम 8 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 बड़ा है तो 8 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर विल बी 6. एंड साइन कौन सा लगाएं, क्योंकि हमारे पास दोनों साइंस अवेलेबल हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट रूल है, उसके लिए सेकेंड रूल है, आंसर विल हैव द साइन ऑफ लार्जर नंबर. सो 2 और 8 में लार्जर नंबर इज ऑब्वियसली 8. सो 8 में माइनस का साइन लगा है तो हम यहाँ माइनस साइन लगाएंगे. क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से -14 + 10. नाउ बिकॉज ऑपोजिट साइंस हैं तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 4. और साइन लगेगा लार्जर नंबर का, लार्जर नंबर इज 14, तो हम साइन लगाएंगे माइनस का. तो इसमें बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए. जो भी बड़ा साइन होगा हम सिंपली उसका साइन लगा देंगे और सब्ट्रैक्शन कर देंगे, राइट? तो ये दो रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स लुक एट दीज टर्म्स. इन सम्स में 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, तो 2 से ज़्यादा नंबर्स को हम जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? तो फर्स्ट एग्जांपल, -(-) + + (+) विल बी प्लस एंड +(-) विल बी माइनस. फिर से एक बार देखते हैं, बिकॉज 4 इंटीजर्स हैं, चारों के साइंस को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. तो -(-) होता है प्लस.
अब उस प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू प्लस इज प्लस एंड देन प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, सो फाइनल आंसर जो होगा वो माइनस होगा. ये तो हो गया सिर्फ साइन. अब नंबर्स को जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो टू इंटू फोर एट, एट इंटू फाइव फोर्टी, फोर्टी इंटू थ्री विल बी 120. सो आंसर विल बी माइनस 120. तुम चाहो तो इसको एक बार में नहीं दो बार में कर सकते हो सम, तो उसको इस तरीके से कर सकते हो. सबसे पहले इन दो का प्रोडक्ट निकालो, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, फोर इंटू टू इज एट. ये एक पार्ट हुआ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. अब प्लस इंटू माइनस होता है माइनस एंड फाइव इंटू थ्री 15, सो माइनस 15. अब वापस दो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड 8 इंटू 15 मल्टीप्लाई करोगे 15 एट जार 120. तो हम दो बार में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आंसर हमें लग रहा है कॉन्फिडेंट नहीं है, रॉन्ग हो सकता है, और बहुत सिंपल है, एक साथ चारों को भी कर सकते हो. नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन टिल 60 टाइम्स. 60 टाइम्स हमें वन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है. तो हम 60 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है, इतनी बार साइन, सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं क्या होता है. तो माइनस के साइन को हमको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 60 टाइम्स. 60 मीन्स एन इवन नंबर. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें प्रोडक्ट करना है माइनस साइन का या किसी भी साइन का, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि हर एक इवन नंबर के लिए एक पेयर मिल जाएगा. सो माइनस इंटू माइनस विल ऑलवेज बी प्लस, और हमें हर एक ऐसे दो दो के पेयर मिल जाएंगे बिकॉज 60 इवन नंबर है. सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमेशा प्लस में आएगा. और वन को वन से मल्टीप्लाई कितने भी बार करो, आंसर तो हमेशा वन ही आना है. सो आंसर इज प्लस वन. ओके, अब अगर 60 की जगह होता 75 टाइम्स, ओके, सो नाउ 75 टाइम्स हमको अगेन मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि हम देखेंगे हर एक में माइनस का साइन है एंड 75 इज एन ऑड नंबर. ऑड नंबर मतलब हर एक के पैर मिलेंगे फिर भी एक रह जाएगा माइनस. तो सारे प्लस हो जाएंगे लेकिन एक माइनस रह जाएगा, यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट माइनस में ही आंसर आना है. और वन का मल्टीप्लीकेशन वन ही होगा, सो आंसर विल बी माइनस वन. सो हमको क्या याद रखना है, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करना है एक साइन को, माइनस साइन को, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा. और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा. सिंपल. अभी नेक्स्ट सम, 6 माइनस 8 माइनस 5 प्लस माइनस 3 माइनस माइनस 2. अब इसका क्या मतलब है, प्लस माइनस 3 एक साथ दोनों साइन दिया है, बट देखो एक साथ नहीं है, बीच में ब्रैकेट है. और बीच में अगर ब्रैकेट है और दो साइन एक साथ है, यानी हम इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके एक साइन में कन्वर्ट कर देंगे. तो सबसे पहले यही काम करते हैं जिससे सम जो है वो क्लियर लगे. सो इस पार्ट को अभी हम सॉल्व नहीं करते हैं, एज इट इज़ छोड़ दें. हाँ, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, वी आर फॉलोइंग द सेम रूल 3, फिर माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस 2. और अब आगे की कैलकुलेशन बहुत इजी है, ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में था. सेम साइंस को हम ऐड करेंगे और अपोजिट साइंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सारे सबसे पहले सेम साइंस देख लेते हैं. प्लस 6 है, प्लस 2 है, तो ये हो गया प्लस 8, माइनस 8, माइनस 5, माइनस 3. अगर हमको इसको ऐड करना है, सारे सेम साइन है, तो आंसर विल बी माइनस 16. और नेक्स्ट, क्योंकि ऑपोजिट साइंस हैं तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 16 माइनस 8 इज 8, और साइन लार्जर नंबर का लगेगा, ये भी रूल है. सो आंसर इज माइनस 8. सिंपल. अब कुछ और सम्स देखते हैं. सम इज, सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज 28. इफ वन इंटीजर इज माइनस 45, फाइंड द अदर. सो पहला पार्ट बोल रहा है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 28. तो ऑब्वियसली 28 दो इंटीजर्स का सम है, तो ये बड़ा नंबर है. उनमें से एक इंटीजर माइनस 45 है, सो सेकेंड इंटीजर क्या होगा जो दोनों का सम है, उसमें से अगर हम पहला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वो नंबर मिल जाएगा. सो हमें ये मिल गया एक सम. अब हम इस सम को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. 28 माइनस माइनस 45. सी अगेन, दो साइन है और हमको इसे एक साइन में कन्वर्ट करना है, बीच में कुछ नहीं है, यानी कि ये मल्टीप्लाई करना है. सो 28
minus into minus is plus 45. Now 28 और 45 same sign है, simply add करना है. Okay, so answer is 73. Okay, now next one. The difference between an integer x and minus 6 is minus 5. So find x. Difference between an integer x and minus 6. यानि हम x से subtract करें minus 6, तो answer होता है minus 5. Difference between यानि subtraction करना है. So दो numbers का subtraction करें तो हमें answer मिलता है minus 5. तो हमें ये equation मिल गया. अब हमें x की value चाहिए. सबसे पहले again इनको एक sign करते हैं. So अच्छा, हम यहाँ implies का sign देंगे. Implies का sign ऐसा होता है because दो बार equal to का sign नहीं हो सकता, यहाँ already एक equal का sign है. Now minus into minus plus 6 is equal to minus 5. Again x is equal to minus 5 तो यहाँ है, plus 6 को हम is equal to के उधर भेज देते हैं. जब भी हम इसके उस साइड भेजते हैं तो हमेशा साइन को ऑपोजिट कर देते हैं. अगर ये प्लस 6 है, जैसे इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, प्लस 6 विल बिकम माइनस 6. ओके, यानी यहाँ अगर मल्टीप्लाई होता तो उधर जाता, डिवाइड हो जाता. नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 6, सेम साइन है, सेम साइन गेट्स एडेड. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 11 इज द आंसर. नेक्स्ट सम है, एड द प्रोडक्ट ऑफ माइनस 13 एंड माइनस 17. प्रोडक्ट ऑफ माइनस 13 एंड माइनस 17, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो माइनस 13 एंड माइनस 17 का प्रोडक्ट, एड इट टू द कोशेंट ऑफ माइनस 187 एंड 11. कोशेंट मीन्स इन दोनों को डिवाइड करना है, तो हमें इनको ऐड करना है इनके कोशेंट से, यानी माइनस 187 डिवाइडेड बाई 11. सो अगर ये सम है इस तरीके से, यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं, तो क्योंकि ये दो पार्ट है, पहला है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इंटीजर्स, तो हम यहाँ एक ब्रैकेट लगा दें कि हमें पहले ये सॉल्व करना है, और फिर इधर है कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स, तो हमको इनको भी सॉल्व करना है, उसके बाद ही इनको ऐड करना है. तो हम अलग अलग करते हैं. माइनस 13 इंटू माइनस 17, वी आर फॉलोइंग द रूल्स, सेम रूल, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड 13 इंटू 17 221. नेक्स्ट प्लस माइनस 187 डिवाइडेड बाय 11, रूल वही हम फॉलो कर रहे हैं. सबसे पहले साइन देखते हैं, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, सो आंसर तो माइनस में आना है. अब 187 डिवाइडेड बाय 11 आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर हम इस तरीके से डिवाइड की जगह अपॉन का साइन लगा करके काट भी सकते हैं. तो अगर तुम काटोगे तो देखोगे 11 वन ज़ा 11, देन 7, 11 सेवन ज़ा 77, यानी माइनस 17 इसका आंसर आएगा. सो एक बार क्लियरली लिख दें, प्लस 221 आया था, फिर ऐड करना था माइनस 17. प्लस इनटू माइनस नेक्स्ट में कर लें. ये प्लस 221, अगर प्लस न लिखना चाहो तो भी ठीक है, प्लस इनटू माइनस माइनस 17, सिंपल सब्ट्रैक्शन है और आंसर आ गया 204 इज द आंसर. सो ये हमारा पार्ट वन खत्म होता है. पार्ट टू में हम आगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इंटीजर्स वो होंगे बॉडमस रूल, डीमस रूल, एंड देन बॉडमस रूल के हम कुछ एक सम्स करेंगे. सो वो होगा नेक्स्ट वीडियो में. डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सम्स, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे. ओके, बाय बाय.